डैफ्ने की दादी मीटिंग रूम में जाकर येलिन को मारने लगती हैं। तो येलिन के दादाजी गुस्से में पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या कर रही हो। तो दादी कहती है कि तुम मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो, इससे पूछो इसने मेरी पोती के बूब्स क्यों देखे। दादाजी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो दादी कहती है हाँ तुम्हें अब क्यों समझ आएगा, अब तुम बूढ़े जो हो गए हो तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं समझ आएंगी। उधर दूसरी तरफ डेप्यूटी मिनिस्टर दादी को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और वो उन्हें पहचान जाते हैं। असल में वो दोनों पुराने रिलेटिव्स होते हैं जो पहले एक ही गांव में रहा करते थे। डैफ्ने को भी याद आ जाता है कि वो उस्मान को पहले से ही जानती है। येलिन डैफ्ने से कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूँगा। उस्मान दादी से पूछते हैं कि अब तुम्हारे ग्रैंड किड्स कैसे हैं। दादी बताती है कि दोनों अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो उस्मान कहता है कि चिनार की तो अब शादी के लायक उम्र हो गई होगी। तो दादी कहती हैं हाँ शादी के लायक उम्र तो हो गई है और काफ़ी लड़कियां भी हैं, लेकिन अभी चिनार शादी के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि पहले डैफ्ने की शादी होनी चाहिए। अब अंकल उस्मान डैफ्ने से पूछते हैं कि डैफ्ने तुम कितनी बड़ी हो। तो येलिन कहता है ये अभी बड़ी नहीं हुई है, ये तो अभी भी बच्ची ही है और दूसरों के फटे में टांग अड़ाती है। तो डैफ्ने कहती है नहीं नहीं अंकल उस्मान ये मजाक कर रहा है, एक्चुअली अब 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं 24 की हो जाऊंगी। तो अंकल उस्मान कहते हैं फिर तो तुम शादी के लिए बिल्कुल फिट हो। डैफ्ने कहती है नहीं अंकल मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फिर उस्मान येलिन और डेनिस से कहते हैं कि तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। तो येलिन उनसे मना कर देता है। तो दादी कहती हैं हाँ ये क्यों अभी शादी करेगा, इसे तो लड़कियों के बूब्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। इधर एस्की डैफ्ने को फ़ोन करती है लेकिन डैफ्ने एस्की की कॉल कट कर देती है। एस्की को गुस्सा आता है कि डैफ्ने ने उसे गार्ड की तरह खड़ा कर दिया है और अब फ़ोन भी नहीं उठा रही है। कंपनी का गार्ड एस्की की गाड़ी की नंबर प्लेट का फ़ोटो क्लिक करने के लिए आता है, लेकिन एस्की गुस्से में उससे कहती है कि अगर उसने गाड़ी की नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया तो वो उसके बॉस का सर इसी नंबर प्लेट से फोड़ देगी और उसे वहाँ से भगा देती है। दादी उस्मान से पूछती हैं कि वो इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उस्मान दादी को बताता है कि इन लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है जिसकी वजह से इनकी कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं उनकी हेल्थ और उनकी बीमारी का डेटा इस कंप्यूटर के थ्रू हमें मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उस्मान अंकल दादी को अपने साथ लंच पर इनवाइट करते हैं। दादी जाते जाते येलिन को कहकर जाती हैं कि मैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अभी तो जा रही हूँ, लेकिन ये बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ऑफिस से बाहर निकलते समय उस्मान अंकल को कॉरिडोर में चिनार भी मिलता है। अंकल उस्मान चिनार और दादी दोनों को ही लेकर लंच पर निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो येलिन से कहते हैं कि अभी मैं ऐसे प्रटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बूब्स की स्टोरी ज़रूर सुनाना। अंकल उस्मान के जाने के बाद डैफ्ने को लगता है कि अब येलिन उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। येलिन भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। दादाजी डेनिस से पूछते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन डेनिस भी उनकी बातों का जवाब नहीं देता और वो भी एस्की के पीछे भाग जाता है। और अब शुरू होती है ऑफिस में डैफ्ने और येलिन की भागम भाग। डैफ्ने आगे आगे और येलिन पीछे पीछे, लेकिन फिर भी येलिन डैफ्ने को पकड़ नहीं पाता है और आखिर में डैफ्ने अपने फेवरेट स्पॉट यानी कि बाथरूम में जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ पर डेनिस और यशिम आते हैं। डेनिस यशिम से कहता है कि आज तो घर पर हमारी खैर नहीं, दादाजी हम तीनों को छोड़ेंगे नहीं। तो यशिम कहती है मुझे इन सब से बाहर रखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, दादाजी तुम्हें और येलिन को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर डेनिस उससे कहता है हाँ तुम बस प्रे करो कि उन्होंने तुम्हें और चिनार को साथ में ना देखा हो। तो यशिम कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता। तो डेनिस उसे कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मुझे तो लगता है तुम दोनों को डिप्यूटी मिनिस्टर उस्मान ने भी साथ में देख लिया था। तो यशिम कहती है बकवास मत करो,
मुझे नहीं लगता हमें किसी ने भी देखा होगा। तभी वहाँ पर येलिन आता है। येलिन रिसेप्शन से बाथरूम की चाबियाँ लेता है और वापस जा ही रहा होता है कि तभी यशी मुझसे पूछती है कि भाई क्या हुआ, डेफने कहाँ है। येलिन उसे बताता है कि वही जो उसकी फेवरेट जगह है। तो डेनिस कहता है क्या वो फिर से बाथरूम में है। तो येलिन कहता है हाँ वो बाथरूम में ही है और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बाथरूम मीटिंग होती कैसी है। तब येलिन उनसे पूछता है और दादाजी कहाँ हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हमने उन्हें कन्विंस करके अभी तो फिलहाल घर भेज दिया है, लेकिन वो बोल रहे थे कि रात को तुम तीनों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो येलिन कहता है फिलहाल तो मुझे किसी और के साथ अपना हिसाब बराबर करना है और वहाँ से चला जाता है। बाथरूम में जाकर येलिन डेफनी से कहता है कि अगर एक मिनट के अंदर उसने गेट नहीं खोला तो वो गेट को तोड़ देगा और अंदर आ जाएगा। डेफनी उसे कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि येलिन को किस बात का गुस्सा आ रहा है। उसकी प्रेजेंटेशन भी हो गई, उसको प्रोजेक्ट भी मिल गया, फिर भी उसे गुस्सा आ रहा है। तो येलिन कहता है डेफनी अब तुम्हारा एक मिनट ख़त्म होने वाला है। तो डेफनी कहती है इतनी जल्दी कैसे। तो येलिन कहता है तुमने 50 सेकंड्स बोलने में ही वेस्ट कर दिए हैं। मिस डामला बाथरूम जाने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन डेनिस ये कहकर उन्हें वहाँ से वापस भेज देता है कि अंदर एक बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है। डामला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यशिम और डेनिस बातें कर रहे होते हैं कि ये किस तरीके का रोमांस है। तो डेनिस कहता है इन दोनों का प्यार भी कुछ अलग ही है, जो टॉयलेट से शुरू होता है, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी डेनिस के पास रिसेप्शन से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वहाँ कुछ जर्नलिस्ट आए हुए हैं जो येलिन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो यशी मुझसे कहती है ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ही जर्नलिस्ट को बुलाया था। अब तुम जाओ अंदर और जल्दी से येलिन को बोलो कि अपने कपड़े ठीक करके जल्दी से बाहर आए और इनको इंटरव्यू दे। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी येलिन बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है। जब येलिन बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ता है तो डेफनी के मुँह से चीख निकल जाती है, जिसे वहाँ खड़े सभी जर्नलिस्ट सुन लेते हैं। यशिम बाथरूम के अंदर आती है और येलिन को इन्फॉर्म करती है कि बाहर कुछ जर्नलिस्ट आए हैं जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और इस चीख की आवाज़ उन्होंने भी सुन ली है। डेफनी जब बाथरूम से बाहर आती है तो इस तरह दिखाती है जैसे वो बाथरूम में फिसल गई थी, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और उसकी चीख निकल गई। यशिम सभी जर्नलिस्ट को लेके कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। येलिन जब बाथरूम से बाहर आता है तो डेफनी के पास आता है और उससे कहता है ये टॉपिक अभी बंद नहीं हुआ है। दादी डेफनी से कहती हैं कि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं कल फिर से ऑफिस आऊँगी और उस लड़की को बहुत मारूंगी। तो चिनार और बागी सब भी दादी माँ को बोलते हैं कि आप प्लीज़ बस कर दें और ये बात यहीं पर ख़त्म कर दें। चिनार टीवी ऑन करता है जिस पर डेनिस और येलिन का इंटरव्यू आ रहा होता है। इंटरव्यू को देखकर एस्की कहती है कि चलो कम से कम डेनिस अराज का एक कोई ढंग का इंटरव्यू तो आया जिसमें ना कोई पापराजीज हैं और ना ही लड़कियां इनके आसपास हैं। तो दादी कहती हैं मुझे लगता है कि ये लड़का येलिन से तो अच्छा ही है। तो एस्की कहती है आप इसे भी कुछ कम समझो और ज़रा ध्यान से देखो, इस रिपोर्टर को भी कैसी फ्लर्टी नज़रों से देख रहा है। डाइनिंग टेबल पर दादाजी येलिन से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे समझाओगे कि वहाँ मीटिंग रूम में ये बूप्स की क्या बात हो रही थी। तो येलिन कहता है दादाजी प्लीज़ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने किसी के भी बूप्स नहीं देखे, लेकिन हाँ शायद आप डेनिस से पूछें उसने देखे हों। डेनिस कहता है नहीं अभी तक तो नहीं, पर हाँ जल्दी ही देख सकता हूँ। दादाजी उन दोनों से कहते हैं कि आर्ग्यू करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि वो लेडी वहाँ पर क्या कर रही थी। तो येलिन उनसे कहता है कि प्लीज़ आप इस बारे में बात ना करें, पूरी की पूरी फैमिली पागल है उनकी। तो यशिम कहती है अच्छा भाई तो अब आपको पागल लोग पसंद आने लगे हैं। खैर फिर यशिम डेनिस से कहती है कि 2 दिन बाद
डेफनी का बर्थडे आने वाला है, आई थिंक तुम्हें उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना चाहिए। ये सुनकर वियलिन वहाँ से चला जाता है। दादाजी कहते हैं, तुम दोनों मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं पता लगा लूँगा और फिर मैं तुम दोनों से बात करूँगा। चिनार डेफनी को सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाने के लिए बोलता है। डेफनी जब सबके लिए कॉफ़ी बना रही होती है, तभी उसके पास उसके बड़े भाई टोप्राक का फ़ोन आता है। टोप्राक डेफनी से कहता है कि क्या जैसा प्रोग्राम उसने अरास टेक्नोलॉजी के लिए बनाया है, कुछ कुछ वैसा सिमिलर सा प्रोग्राम वो उसके शिप्स के लिए बना सकती है। तो डेफनी कहती है, हाँ इसमें कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें शिप्स पर सेंसर्स लगाने होंगे और उसे एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने होंगे, जिसके लिए वो उन लोगों से बात करेगी और एक मीटिंग अरेंज करवाएगी। तभी वहाँ एस्की आती है। डेफनी एस्की को चाय के कप्स देती है और कहती है, सबको ये चाय देने के बाद तुम वापस से मेरे पास आना, मुझे तुमसे डेनिस अरास के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि इंटरव्यू के दौरान तुम उसे कितने ध्यान से देख रही थी। डेफनी एस्की से पूछती है कि आप मुझे सब कुछ बताओ कि तुम डेनिस से कहाँ मिली थी। एस्की उसे बताती है कि वो और मैं मेरे हॉस्पिटल में मिले थे और वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी उसे दिखा दिया कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। यहाँ डेनिस ट्रैफिक कैमरास को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यशी मुझसे पूछती है कि ये तो उसकी स्टाइल नहीं है, वो लड़कियों के पीछे इस तरह नहीं भागता। तो डेनिस उसे कहता है, पहले ये ही मेरे पीछे आई थी, इसने मुझे चेस किया और फिर ये खुद ही मुझसे दूर भाग गई, क्या वो मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। ठीक है, अगली बार जब वो मुझसे मिलेगी तब मैं उसे दिखाऊंगा कि गेम्स कैसे खेलते हैं। और यहाँ हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।